बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यूनिट 3 डेसिमल्स के बारे में है। इस पे हमने 3.1 टॉपिक कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स टू रैशनल नंबर्स कंप्लीट कर लिया हुआ है। 3.2 टॉपिक हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के ऊपर। फिर एट द एंड हम लोग 3.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के ऊपर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है पार्ट टू। इसका मतलब है कि हमारा इसके ऊपर सेकंड लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग एक SLO डिस्कस करेंगे। SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। देखें, डिफाइन रिक्योरिंग डेसिमल्स एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इन विच अ सिंगल डिजिट आर अ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट्स इटसेल्फ इन फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। एक चीज हमने यहां पर देखनी है, पहले हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को देखेंगे और उसके बाद उसकी फिर उसी को डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। चले तो जरा बुक की तरफ, वहां पे चलकर डिस्कशन करते हैं। पेज नंबर 39 पे आए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल का आपको पता है, ऐसे डेसिमल्स जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद जिनके नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हों या खत्म हो जाएं, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स नॉन टर्मिनेट मींस इनफाइनाइट हों। टर्मिनेटिंग में फाइनाइट होते हैं जबकि नॉन टर्मिनेटिंग में इनफाइनाइट होते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। द टाइप ऑफ डेसिमल्स दैट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। व्हेन वी पुट नॉन बिफोर टर्मिनेटिंग देन इट मींस नॉन एंडिंग, देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग। सो देखिए जरा, हमने एक नंबर देखा था 341.058। ये नंबर जो था ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल था, क्योंकि आफ्टर डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स के बाद ये नंबर फिनिश हो जाता है। अगर हम लोग इस तरह राइट कर दें 0581 और इसके बाद 3 डॉट्स हो जाएं, तो इसका मतलब है ये नंबर एंड नहीं होता और हमें इसके आगे वाले नंबर्स का भी पता नहीं है। तो ये नंबर जो है इनफाइनाइट हो जाता है, नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें इनफाइनाइट है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। सो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर डू नॉट कंटेन एन एंडिंग डिजिट आर अ टर्मिनेटिंग डिजिट। कंसीडर द फ्रैक्शन, दिस फ्रैक्शन इसको आपने कंसीडर करना है, ये एंड नहीं होती। इफ वी डिवाइड 22 to 7 द डिवीजन प्रोसेस डज नॉट एंड आर टर्मिनेट एंड वी गेट 3.14257 2857 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7। सो दिस नंबर इज रिपीटिंग। सो एंड द प्रोसेस गोज ऑन, दस वी कंक्लूड दैट 3.1428 मींस के ये एक जो कुछ डिजिट्स हैं ये इस तक यहां तक आकर रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। अगेन वन के बाद ये रिपीट होते हैं। इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एज इट डज नॉट कंटेन एन एंडिंग आर टर्मिनेटिंग डिजिट। देयर आर टू सब टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिक्योरिंग डेसिमल्स एंड मिक्स्ड रिक्योरिंग डेसिमल्स। ये टू टाइप्स आपने याद रखनी है। इसमें कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रिपीट कर जाते हैं और कुछ नंबर्स रिपीट नहीं करते। जिस तरह 22/7 में आपने देखा कि कुछ डिजिट्स के बाद वो प्रीवियस वाले डिजिट्स आना शुरू हो गए और ब्लॉक्स बनना शुरू हो गए, इनके कौन सी कैटेगरी है अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की टू कैटेगरीज हैं। पहली रिक्यूरिंग डेसिमल है और दूसरी मिक्स रिक्यूरिंग डेसिमल्स। देखें जरा नेक्स्ट पेज पे रिक्यूरिंग डेसिमल्स। रिक्यूरिंग, ये डेफिनेशंस आपने याद रखनी है। रिक्यूरिंग डेसिमल्स आर दोज डेसिमल नंबर्स
इन विच आफ्टर डेसिमल पॉइंट अ डिजिट आर अ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट्स इटसेल्फ इन फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। मींस कि या एक ही डिजिट जो है वो रिपीट करता है या ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स रिपीट करते हैं। जिस तरह अगर आप 1/3 लें 0.333 ये रिपीट करते जा रहे हैं, ये कभी एंड नहीं होते, ये इसमें वन डिजिट रिपीट कर रहा है। और अगर जो प्रीवियस नंबर आपने देखा था 22/7 इसमें जो था आपके पास 3.1142 एंड सो ऑन, ये रिपीट करता जा रहा था 1/4 के जो ब्लॉक था जो पिछले पेज के ऊपर बना था वो रिपीट कर रहा था। सिमिलरली तो ये इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो रिक्यूरिंग डेसिमल्स होते हैं। दस वी कैन हैव एन आइडिया देयर द डेसिमल पार्ट ऑफ द रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर इज रिपीटिंग। ये क्यों लिखा हुआ है, इसको आपने जी करना है, ये टाइपिंग एरर है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखिए 9.11111 एंड डिसकंटिन्यू, एंड नहीं हो रहा। द डिजिट 1 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज रिपीटिंग इटसेल्फ इनफाइनाइटली। सो यहां पर आप ब्लॉक आ गए हैं, नेक्स्ट नंबर में नेक्स्ट नंबर देखिए 0.624624 अगेन ये 3 नंबर्स का जो ब्लॉक है ये रिपीट करना शुरू हो गया है। इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल्स होंगे। अब देखें 5.6567.911254911254। अब यहां पर देखें, यहां से आपका नंबर जो है ये ब्लॉक बनना शुरू हो गया 9142, अगेन आपके पास ये ब्लॉक बनने शुरू हो गए। तो ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे रिक्यूरिंग में होंगे। All of the above mentioned decimals are pure recurring decimals in nature. Pure recurring decimals are commonly known as recurring decimals. तो students अब आ जाएं next page पे, देखें जरा how to write recurring decimals, उसको हम लोग किस तरह write कर सकते हैं। तो इसको simply उसको आप जो है जब एक block बन जाए उस तक आप end करके उसको write कर दें। It is inconvenient to write repeating digits or repeating digits digit blocks of recurring decimals for infinite times. Therefore, following conventions are used to write the whole number part when repeating digit or block of digits in decimal part only once. अब यहां पर देखें, put a bar on the repeating digits आर रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। आपने क्या करना है, जो सपोज मेरे पास ये नंबर है 3, 4, 1.058058058058, ये ब्लॉक्स जो है वो रिपीट कर रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने 3, 4, 1 होल नंबर पार्ट एज इट इज राइट कर देना है। इसका मतलब ये है एक का, तो बाकी जो नंबर होगा जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर आपने 058 राइट करके उसके ऊपर बार लगा देनी है। पुट अब देखें, फॉर एग्जांपल अबव मेंशन रिक्यूरिंग डेसिमल्स कैन बी रिटन एज, देखें जो हम लोगों ने अभी देखे थे सिर्फ वन रिपीट कर रहा था उसके ऊपर बार लगा दी, फिर 624 रिपीट कर, जो ब्लॉक रिपीट कर रहा होता है उसके ऊपर आप बार लगा दें या डॉट्स लगा दें। तो इसका मतलब ये जो समझने वाला है या जो चेक करने वाला है आपका पेपर या आपका जो असेसमेंट है उसको अंदाजा हो जाएगा कि आपने ये काम किया है और ये नंबर्स रिपीट कर रहे हैं। इन प्लेस ऑफ बार डॉट्स कैन बी प्लेस्ड ऑन द रिपीटिंग डिजिट्स आर ऑन ईच डिजिट ऑफ द रिपीटिंग ब्लॉक। देयरफॉर 9.1 ये ऐसे हो जाएगा, उसके ऊपर डॉट लगा दिया, जो नंबर्स रिपीट कर रहे हैं उनके ऊपर डॉट्स लगा दो। तो स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग डॉट्स ऑन द एवरी डिजिट्स ऑफ द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, डॉट्स कैन बी placed only on the first and the last digit. आप उसका जो repeat कर रहे हैं उनके first और last digit के ऊपर भी dots represent कर दें, तब भी अंदाजा हो जाएगा। और इससे आपने क्या करना है, main इसका purpose ये है कि आपने ज्यादा lengthy write करने की बजाय simply ऊपर dot लगा दें या blocks लगा दें या bar जो होते हैं ऊपर वो लगा दें, जिस तरह आपने यहाँ पर लगाई हुई है। तो students अब देखें एग्जाम्पल 6.8 की तरफ आए, राइट द फ्रैक्शन इन टू डेसीमल फॉर्म। आपको पता है कि 1/7 जो है इसको आप डेसीमल में
कन्वर्ट करने के बाद इसको शॉर्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं। कैसे, 10 है, इसको डिवीजन मेथड से कन्वर्ट कर लें पहले। 717 माइनस किया, 3 आ गया, पॉइंट लगाया 0 आ गया, यहां पर भी पॉइंट लगाया, यहां पर भी 4 आ गया, 28 आ गया। ये इस तरह ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होते जाएंगे। अब यहां पर कौन से हो गए, 4, अगेन 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये चलता जाना है, कंटिन्यू है। तो आप यहां पर डॉट लगा देते हैं। सो अब यहां पर देखें कि कितने रिपीट हो रहे हैं, ये देखें इस एग्जांपल में, जब ये डिवाइड किया 1/7, आप कैलकुलेटर यहां पर यूज कर सकते हैं, 1/7 को डिवाइड किया तो आपके पास 0.142857, अगेन फिर ब्लॉक रिपीट हो गया 1 4 2 1 4 2 5 8 5 7, और फिर 3 डॉट्स आ गए। अब यहां पर जो जहां पर ब्लॉक खत्म हो जाता है तो उसके ऊपर जो है वो आपने लाइन लगा दी। तो इसका मतलब है, इस बार का मतलब भी ये है कि ये नंबर्स जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं, तो इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में राइट कर दिया। तो ये रिक्यूरिंग डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करने का या राइट करने का मेथड है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पेज पे। इसमें एक एक्टिविटी है, आस्क स्टूडेंट्स टू राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/9। फिर जितने ये नंबर्स हैं इनके डेसिमल फॉर्म जो है आपने राइट करनी है। आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर यूज कर लेना है। कैलकुलेटर जब यूज करेंगे उसके लिए आपने 2, फिर डिवीजन का साइन, पहले आप कैलकुलेटर से प्रेस करेंगे 2 एंड देन डिवीजन का साइन, ये साइन प्रेस करेंगे और फिर ये 9 करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉइंट्स में आ जाएगा। 0.92 18 एंड सो ऑन, ये मूव होता जाएगा। तो जो भी आंसर आया आपने उसको राइट कर लेना है यहां पर। एंड देन आस्क द स्टूडेंट्स टू डिस्कस द इशू विच दे फेस व्हाइल कन्वर्टिंग द अबव मेंशनड फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म, हाउ दे विल राइट द फाइनल आंसर। आस्क देम टू राइट आंसर इन 3 डिफरेंट वेज, मींस के आपने जो रिजल्ट है उसको क्या करना है, ये एक्टिविटी आपने खुद परफॉर्म करनी है, और उसमें आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं या सिंपल जो डिवीजन का हम लोगों ने मेथड सीखा हुआ है उसको यूज करके आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद आपने इनको डेसिमल में राइट करना है। और रिक्यूरिंग डेसिमल्स को राइट करने के हमने डिफरेंट वेज देखे हैं, और उन सब वेज में आपने राइट करना है। अब आ जाए सेकंड टाइप जो है, वो मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल्स हैं। ये मिक्स्ड से ही हमें जाहिर होता है कि वो नंबर्स जो हैं कहीं पे भी रिपीट नहीं करते, वो शफल होते रहते हैं नंबर्स। देखें मिक्स्ड रिक्यूरिंग या कुछ जो नंबर्स हैं, ब्लॉक्स जो हैं वो शफल होते हैं, देखते हैं। मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल्स आर अ सब टाइप ऑफ रिक्यूरिंग डेसिमल्स। रिक्यूरिंग डेसिमल्स की ही आगे ये टाइप है। इन दिस टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट अकर्स ओनली वंस। The digits which come after that repeat for infinite times, for example, in the decimal number 3, एक ऐसा नंबर है जिसमें एक जो डेसिमल पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट है या 2 डिजिट्स हैं वो एक ही दफा रिप्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। देखें यहां पर 4.354545, अब 3 जो है वो सिंगल डिजिट रह गया और बाकी जो 54 है ये रिपीट होना शुरू हो गए। 3 डज नॉट रिपीट, हाउएवर द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स 5 एंड 4 रिपीट फॉर इनफाइनाइट टाइम। दिस इज अ मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल, द बार विल बी प्लेस्ड ओनली ऑन द रिपीटेड ब्लॉक। सिर्फ रिपीटेड ब्लॉक के ऊपर बार प्लेस होगी, जबकि 3 के ऊपर प्लेस नहीं होगी। अब यहां पर देखें एग्जाम्पल 9 है, एग्जाम्पल 9 को जब डिवाइड किया तो आपके पास 2 पॉइंट, उसके बाद 0.277 आना शुरू हो गया। तो अब आपके देखें कि 2 जो है वो सेपरेट है और 7 जो है, 77 जो है वो रिपीट हो रहा है, सो बार जो है सिर्फ 7 के ऊपर आएगी, बाकी किसी के ऊपर नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पेज पे, नॉन रिक्यूरिंग टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देर आर सम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स
विच आर नीदर प्योर रिक्यूरिंग नॉर मिक्सड रिक्यूरिंग डेसिमल्स, ना तो प्योर हो सकते हैं ना ही मिक्सड हो सकते हैं. दीज आर कॉल्ड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल्स. इन नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल्स द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डू नॉट रिपीट इन एनी फॉर्म एंड द डिवीजन प्रोसेस डज नॉट टर्मिनेट टू. इसका डिवीजन प्रोसेस भी टर्मिनेट नहीं होता और नंबर्स भी जो हैं वो शफल होते रहते हैं. देखिए जरा ये सारे नंबर कहीं पर रिपीट नहीं कर रहे, शिफ्ट शफल हो रहे हैं. अब 8 8 8 थ्री टाइम्स 8 है, कहीं पर 3 times 8 नहीं आएगा. फिर आपके पास 2 है, 2 आ जाएगा लेकिन उससे पहले आगे पीछे कोई और नंबर होंगे. तो ये नंबर कहीं पर भी ब्लॉक्स नहीं बनते, रिपीट नहीं करते. दिस टाइप ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अ नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल्स. नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू. ये रैशनल नंबर्स नहीं होते, ये सारे के सारे इरेशनल होते हैं. तो अब आप देखें, देयरफॉर दीज आर नॉट रैशनल नंबर्स. मैंने कहा कि ये रैशनल नहीं होते. और टू कन्वर्ट रिक्यूरिंग डेसिमल्स इन फ्रैक्शन फॉर्म, हम लोग रिक्यूरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकते हैं. कैसे? देखिए मेथोडोलॉजी. रिक्यूरिंग डेसिमल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉमन फ्रैक्शन बाय द फॉलोइंग स्टेप. फर्स्ट स्टेप देखें, राइट द होल नंबर पार्ट देन रिपीटिंग डिजिट्स आर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट ओनली वंस एंड देन राइट 9 एज मैनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर रिक्यूरिंग. देखिए जहां पे एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करते हैं, 5.545454 ये ब्लॉक्स हैं, ये रिपीट कर जाते हैं. इट इज अ प्योरली रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर. सो इसमें क्या करेंगे, रिपीट कर गया, इसको इस फॉर्म में राइट कर दिया. टू डिजिट्स आर रिपीटिंग, वील राइट 9 फॉर 2 टाइम्स. हम लोग क्या करेंगे कि जो 2 टाइम्स है, जितनी दफा डिजिट वो रिपीट होता है, 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं या जितने रिपीट्स कर रहे हैं, एज मैनी टाइम राइट 9 एज मैनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर रिक्यूरिंग. सो आपने यहां पर 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं, 5 और 4 5 4 रिपीट कर रहे हैं, तो उसके नीचे आपने ये जो डेसिमल की जगह डेसिमल को हटा के नीचे आपने 99 लिख देना है. तो अब आपके पास क्या हुआ, जितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं उतने आपने 9 राइट कर देने हैं. तो ये जो नंबर, जब आपने 9 राइट कर दिए तो ये जो नंबर आपके पास बना ये रैशनल बन जाएगा. तो देखें इसी तरह अगर मेरे पास ये एक नंबर है 4.723723723 तो एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू हो रहा है. अब यहां पर मैं क्या करूंगा, ये 3 नंबर्स रिपीट कर रहे हैं तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, 723 एज मैनी टाइम्स दिस इज रिपीटिंग राइट 999 दिस इज योर रिजल्ट. सिमिलरली अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज 3 भी है, क्वेश्चन है, आपने कैलकुलेटर यूज कर लेना है या डिवीजन मेथड यूज करना है. उसके बाद आपने इन सब नंबर्स को डिवाइड करना है, सारे नंबर्स को, और डिवाइड करने के बाद आपने ये बताना है इंडिकेट विच ऑफ देम विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, आल्सो प्रूव योर स्टेटमेंट. इनमें से आपने सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, और फिर उसके बाद ये भी साथ लिख देना है कि कौन सा रिक्यूरिंग है और कौन सा नॉन रिक्यूरिंग है. तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं समर पैक की तरफ, पेज 39 के ऊपर है. आपने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की डेफिनेशन यहां पर राइट करनी है. नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, जिस तरह अभी हमने काम किया इसी तरह आपने इन नंबर्स को डिवाइड करना है और फिर बताना है इनमें से कौन सा नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है. विच वन इज ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नहीं राइट करना, सिर्फ आपने विच वन इज नॉन टर्मिनेटिंग ये आपने आइडेंटिफाई करना है.